जहां तक भारत का सवाल है, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है उसका। हमारे लिए एनवायरनमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये कन्वीनियंस के कारण करने का हमारा काम नहीं है, हम ये मानते हैं। हम एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते हैं। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता है। हम इस पक्ष में रहे हैं और उसी के मूल पर आधार पर भारत अपने लिए करता है, इतना ही नहीं, हम कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। आपको मालूम है G20 देशों ने पेरिस में जो प्रॉमिस किया था, सभी G20 देशों में अकेला हिंदुस्तान है जिसने पेरिस में जो प्रॉमिस किए थे वो सारे प्रॉमिस पूरे किए हैं। इतना ही नहीं, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हमने ग्लासगो में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 500 गीगावाट का टारगेट रखा है। हमने 2030 तक भारत की रेलवे का नेट जीरो का रख रखा है। और भारत की रेलवे कहने के बाद आपको उसका स्केल पता होना चाहिए। भारत की रेलवे का मतलब है कि हर दिन मेरे यहां रेल के डिब्बे में पूरा ऑस्ट्रेलिया होता है, इतना बड़ा मेरा देश है। और वहां मैं 2030 तक रेलवे को नेट जीरो लेकर के चल रहा हूं। उसी प्रकार से जो हमने सोलर एनर्जी के टारगेट तय किए थे, हमने इथेनॉल के टारगेट तय किए थे 10% का, वो समय से पहले पूरा कर दिया। हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन को इनिशिएट कर रहे हैं और भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बने, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने दुनिया के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हमने लॉन्च किया और आज दुनिया के कई देश उसमें भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो आइलैंड कंट्रीज है उनको स्पेशली सोलार के क्षेत्र में मदद करके उनको एक नया विश्वास दिया है कि हम आपकी कठिनाइयों में आपके साथ हैं, भावी किसी भी संकट के लिए हम आपकी चुनौती को पार करने के लिए हमारी जिम्मेवारियां निभाएंगे, आपको भी मदद करेंगे। हम वो देश हैं जिसने एक और नया क्षेत्र हाथ लिया है। हम देख रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटी के कारण आज मनुष्य मृत्यु की चर्चा तो होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना नुकसान होता है जो 50-50 साल तक भरपाई नहीं हो सकता। और इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जिस प्रकार का संकट आ रहा है, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें रेजिलियंस हो। और इसके लिए CDRI हमने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया है। और आपको पता होगा मैंने ग्लासगो के अंदर एक विषय रखा है दुनिया के सामने, और जिसको पिछले दिनों यूएन सेक्रेटरी जनरल और मैंने उसको लॉन्च किया है, वो है मिशन लाइफ। और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हर इंडिविजुअल को प्रो क्लाइमेट प्रो एनवायरमेंट अपना जीवन जीने का तरीका डेवलप करना होगा इतने बड़े संकट के लिए। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारत ने जो आज इन क्षेत्रों में काम शुरू किया है, इसलिए नहीं कि भारत ने दुनिया के एनवायरनमेंट को बुरा किया है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भावी पीढ़ी की हमें चिंता है। हम हमारी भावी पीढ़ी को ऐसा विश्व नहीं दे सकते हैं कि जिसके लिए उसके लिए जीना कठिन हो जाए। और इसलिए एक ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी के रूप में भारत ने खुद ने कुछ बुरा नहीं किया है तो भी अच्छा करने में, योगदान देने में हम अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं और हम आगे भी निभा रहेंगे। जहां तक समृद्ध देश है, लगातार चर्चा रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, फाइनेंशियल मदद हो, और धीरे धीरे विश्व भी मन बना रहा है कि जो देश इसमें करना चाहते हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद मिले, उनको फाइनेंशियल मदद मिले। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जितना जल्दी इस विषय में आगे बढ़ेंगे, दुनिया को इस संकट से हम जल्दी से मुक्त कर पाएंगे। धन्यवाद।